आज देश के तीन बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति को भारत रत्न से भारत सरकार ने सम्मानित किया है। पहला चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के नेता रहे, निस्वार्थ भाव से लगातार अपने मृत्युपर्यंत किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। किसानों को हक और अधिकार दिलाने के लिए वो लड़ते रहे, जूझते रहे, और वो किसानों के नेता भी कहलाए। भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और उनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ। दूसरे जो नेता थे देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव के प्रधानमंत्री तो काल में यानी देश उदारीकरण यानी नई व्यवस्था की ओर देश ने प्रवेश किया। जो देश के अंदर में कोटा परमिट राज था उसको इन्होंने तिलांजलि देने का इन्होंने प्रारंभ किया उसी समय से, और देश विकास की एक नई गति पकड़ी उस समय से, एक नया रफ्तार भी पकड़ा। यानी अगर हम कहें कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, इसके जनक भारतवर्ष में करे तो नरसिंह राव जी रहे, और आज उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीसरे जो व्यक्ति थे कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन, वो कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने क्रांति लाई, जो कि भारत पहले आन के लिए परेशान थे, दुनिया के औरों देशों के समक्ष देशवासियों की भूख मिटाने के लिए भारत कटोरा लेकर के हाथ फैलाते थे, लेकिन भारत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामीनाथन कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आए और फसल के उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी हुई, नई तकनीक, उन्नत बीज को इन्होंने तैयार कराए, और आज अनाज के मामले में देश स्वावलंबी है। भारत के पास भी अनाज पर्याप्त है। आज तो देश में गरीबों को 80 करोड़ की आबादी, प्रत्येक महीना फ्री में 5 किलो अनाज भी दिया जा रहा है, और साथ ही दुनिया में जहां कहीं भी अनाज की जरूरत होती है तो भारत दुनिया को भी अन्न खिला रही, अनाज दे रही है। अगर इसका किसी को श्रेय जाता है तो कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को, और इसलिए आज इन तीनों महापुरुष को केंद्र सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को, भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।